बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम। जामिया अलुसरार दे विच जनाबे सुल्तान उल फकर सुल्तान उल आरफीन हज़रत सुल्तान मुहम्मद बाहू रहमतुल्लाह ताला फरमांदे ने, दोस्त दा पेशवा दर्दमंद तालिब हुंदा है और नफ्स नू कदों कैद कर सकता है। नफ्स ते मुर्शद वी है, पीर वी है और रहनुमा वी है। नफ्स शैतान भी है और अल्लाह का बागी भी है। ऐ बाहू, अगर नफ्स तेरा बहुत गूढ़ा बेली भी बन जावे तो फिर भी नफ्स ते यकीन नहीं करना चाहिए। हक सुभान ताला ने खुद वादा किया है कि मैं अहले जात नू अहले सफात विच नहीं रहन देंगा, क्योंकि दुनिया और आखरत सफात ने, दुनिया और आखरत सफात ने, जन्नत और दोजख अरशो कुर्सी तो लैके तख्तल सरा तक सब सफात ने। फकीर फनाफिल्ला गोता होर दी तरह है, जिस दरिया विचा वे गोता लगा लवे लेकिन हरगिज गर्क नहीं हुंदा, बल्कि जाते खुदावंदी दी बरकत नल किनारे ते बाफियत पहुंच जाता है। ये फकीर हमेशा वक्त हक विच गर्क हो जाता है। जिस शख्स का जाहिर व बातन तहकीक हो जावे, वो असल यानी हकीकी फकीर होता है। बेशक अल्लाह सबर करन वालियां दे नाल है। जिस फकीर विच सबर नहीं, इस फकीर तू कुत्ता चंगा है। और सबर सदीकां दा काम है और सिदक नेक लोकां दा। और अल्लाह ताला एहसान और नेकी करन वालियां नू अपना दोस्त रखता है, रफीक रखता है। फकीर ओ हुंदा है जिहड़ा ला मकान विच होवे और दिलां नू फेर दवे। जिस पासे चाहे वो फकर दी राह शर्म विच नहीं बल्कि हैरत विच है। फकर दी राह पढ़ने विच नहीं बल्कि खुदा दे बुलावण विच है। और ना ही फकर दी राह किताबां विच है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला फरमांदे ने कि मैं बहुकमे खुदा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकर दे हर हरफ विचों खुदा दी मुहब्बत विच डुब के पुशीदा रास ढूंढे ने।